हे गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल गुरुकुल। और देखिए, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, काफ़ी लोग जो अभी जुड़े नहीं हैं यहाँ से, ठीक है, बहुत कम लोग जुड़े हैं, तो ये ग्रुप पे जो जुड़ के आप यहाँ पे आंसर शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको मेल आईडी पे करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको टाइम लगता है तो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे कर लीजिए। इसके अलावा देखिए, मैं एक सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, आपका अगर सहमति होगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। देखिए, मैं एक प्लान बनाने जा रहा हूँ, कैसे आपको जो है अभी जो अभी से लेकर प्रीलिम तक कैसे कैसे तैयारी करनी है आपको, ठीक है। एक प्लान बनाएंगे और प्लान के अकॉर्डिंग फिर हम जो है रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रोज का जो है दो दो तीन तीन टॉपिक लेकर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप कितने लोग इंटरेस्टेड है ये बताएंगे, तभी जो है मैं इसको कोर्स को स्टार्ट करूंगा। जैसे कि हमने ले लिया कि इकोलॉजी के आज दो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि शंकर आईएएस की बुक से, ठीक है। तो वो आपको जुड़े रहना है, आपको तभी बेनिफिट होगा जब आप उससे जुड़े रहेंगे। और जो मैं क्वेश्चंस भी दूंगा, तो वो क्वेश्चन भी आपको बना के भेजने हैं या कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। देखिए क्या करना है, आंसर देना दे, लेकिन आपको करना क्या, सपोज कीजिए मैंने एक ही आपसे पूछा, ठीक है, मैंने आपसे कोई भी एक एक सिंपल चीज मैंने पूछ दी, खिलाफत मूवमेंट के बारे में पूछ लिया, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के बारे में मैंने पूछा आपसे, तो आपको क्या करना है, आपको नहीं पता है तो आपको दोबारा बुक खोलनी है और जो है उसको रिवाइज कर लेना है। तो इस तरह जो है चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेरा मैं आपको एक मोट तरीका बताऊंगा कैसे आप जो है प्रीलिम में आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। प्रीलिम में सिर्फ पढ़ने से सक्सेस नहीं मिलेगी, थोड़ा एनालिसिस करने पड़ेंगे आपको, तो वो मैं एक प्लान बनाने जा रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं सैटरडे संडे तक वो प्लान प्रिपेयर करके आपके साथ जो है शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं आंसर्स। देखिए कौन से, कल तीन क्वेश्चन आपको लिख के भेजने हैं। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि उनको क्वेश्चन ही नहीं मिलते, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करूंगा, जो नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी शेयर करूंगा, और जो यूट्यूब का हमारा कम्युनिटी टैब है उस पर भी शेयर करूंगा। देखिए तीन कौन से क्वेश्चन आपको डिस्कस या लिख के भेजने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट से रिगार्डिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं UAPA भी इसको बोला जाता है। देखिए कह रहे कि क्या आप, डू यू एग्री दैट अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट कुड प्रूव कैटेस्ट्रोफिक फॉर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो आपको क्या लगता है। उसके बाद कह रहे हैं, इज सेक्रीफाइसिंग लिबर्टी फॉर नेशनल सिक्योरिटी जस्टिफाइड, डिस्कस एंड प्रोवाइड योर ओपिनियन। तो देखिए दो पार्ट है इसमें, एक तो क्या ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट पास किया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये बिल था, ये पास हो गया दोनों हाउस से, तो एक्ट बन गया है, ठीक है, 2019। तो आपको क्या लगता है कि ये फंडामेंटल राइट्स को के लिए जो है खतरा है कहीं ना कहीं, एक तो ये चीज डिस्कस करनी, दूसरी आपको ये भी लिखना है, यानी कि 250 वर्ड का है तो आपको 100 वर्ड यहां पे लिखने हैं, 100 वर्ड यहां पे लिखने हैं, इज सेक्रीफाइसिंग लिबर्टी फॉर नेशनल सिक्योरिटी जस्टिफाइड, तो ये दो पार्ट आपको लिखने हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन सेकंड है आपका, तीन क्वेश्चन मैंने आज आपसे पूछे हैं, उसमें से एक भी आपको आता है तो एक लिखिए, दो आता है दो लिखिए, तीनों आते हैं तो तीनों लिखिए। क्वेश्चन है, कंप्लीट पेनिट्रेशन ऑफ क्लीन एंड कुकिंग फ्यूल एंड कुक स्टोव्स इन रूरल इंडिया रिक्वायर मोर ऑफ ए बिहेवियरल एंड एटीट्यूडनल चेंज रादर देन पॉलिसी दैट प्रमोट क्लीन कुकिंग अलोन। ये कह रहे कि देखिए जब जो हमारा ग्रामीण इलाके, वहां पे जो क्लीन फ्यूल है, ठीक है, एलपीजी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो और या कुकिंग फ्यूल है जो, तो या कुक स्टोव वगैरह देना, तो ये बोल रहे हैं कि इससे जो है ये पॉलिसी से ज्यादा बिहेवियर और एटीट्यूड में चेंज लाने की जरूरत है लोगों के, ठीक है। ये कहते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन इन द लाइट ऑफ सक्सेस अचीव्ड, सक्सेस इज अचीव्ड बाय उज्ज्वला स्कीम। तो जो उज्ज्वला स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, ठीक है, फ्री एलपीजी सिलेंडर देने की, ठीक है, फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन वगैरह देने की, तो ये जो स्कीम है इसको आप कंपेयर करना कि पहले के जो पास्ट एफर्ट्स थे उससे इसको जो सक्सेस कैसे मिली, क्या रीजन रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए, डू यू एग्री दैट द रिसेंट साइंड सिंगापुर कन्वेंशन बाय यूनाइटेड नेशन विल ह्यूज इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि देखिए ये इंडिया भी ने भी साइन की है या नहीं की है, ये आपको बताना है और पूरा डिस्कस करना है, ठीक है। मैं कल प्रॉपर आपको बताऊंगा सिंगापुर कन्वेंशन क्या है, कैसे ये आपको इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, जो मॉडल आंसर होगा हमारा उसके अंदर, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन आपको लिख के भेजने हैं, मेल पे भेजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए। चलिए देखिए किसी ने क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन क्या है, ग्लोबली थाउजेंड्स आर स्क्रम्बिंग टू अनट्रीटेबल सुपर बग इन्फेक्शन ऑन ए डेली बेसिस मेकिंग AMR, ठीक है। ये AMR क्या है, ये है एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। देखिए इसके ऊपर प्रीलिम में क्वेश्चन आया 2015 में, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जब आंसर लिखेंगे ना तो आपको अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, और क्लैरिटी आ गई ना तो यूपीएससी ऐसे ऑप्शन बनाती है आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, तो आप बहुत आसानी से जो है उस क्वेश्चन को
पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी का क्वेश्चन आया था इस बार, तो अगर आपने देखा हो, जब जैसे ही कोई फोन लॉन्च होता है तो बताते हैं इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट है। आप उसको एक बार, अगर यूट्यूब पे भी कोई वीडियो भी आपने देख ली होगी, तो आप ऐसे आंसर को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन, मैं इसलिए बताता हूँ, क्वेश्चन लिखने बहुत जरूरी है। देखिए आप बिल वगैरह का, मैंने आपको क्वेश्चन दिए है, देखिए एक सिंगापुर कन्वेंशन से दिया है, तो हो सकता है ये डायरेक्ट पूछ लिया जाए प्रीलिम के अंदर। अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर कोई अमेंडमेंट हुए वो पूछ लिया जाए, तो ये आपका आंसर लिखने से दो दो बेनिफिट होते हैं। प्रीलिम की तैयारी होती है, मेंस की भी तैयारी होती है। तो ये कह रहे कि देखिए ये इसका वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन द वर्ल्ड फेसिस टूडे, ठीक है। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस वगैरह है, इसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सब पूछा है। ये बताते हैं, देखिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस ऑल्सो नोन है सुपर बग भी इसको बोला जाता है, ठीक है, इज एन एबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन दैट वंस वन वंस कुड सक्सेसफुल। देखिए आपको कोई बीमारी है आज, ठीक है, मान लो आपको बुखार है, तो आप दवाई ले लेते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी बॉडी या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स वो इतना, या फिर जो माइक्रोब जो बीमारी जो जिससे क्रिएट हो रही है, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया है या कुछ भी है, वायरस है, वो इतना अपने आप को स्ट्रोंग कर ले कि आपकी दवाई का असर ना हो, तो उसको ही बोलते हैं सुपर बग, ठीक है, सुपर बग की वो सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए बोल रहे ये एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है। देखिए हम इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक ले लेते हैं, हमें अगर शादी जो सर्दी जो है जुखाम भी होगा तो हम एक जो है एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जबकि जरूरत नहीं होती उसके अंदर, लेकिन हम धीरे धीरे लेके ना अपने आप के बॉडी को इतना वो कर लेते हैं कि आपको आने वाले टाइम में जो है एंटीबायोटिक का असर भी नहीं होगा। तो ये इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही पूछ रहा है कि इससे क्या चैलेंजेस होने वाले टाइम में। ये कह रहे हैं कॉजेज क्या होते हैं, देखिए इरेशनल ड्रग यूज, ये कहते हैं पेशेंट टेक्स ड्रग अकॉर्डिंग टू द हिज ओन रैशनल विच ग्रेजुअली, क्या लिखा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, ग्रेजुअली क्या लिखा है, यानी कि वही कहना चाह रहे कि देखिए अच्छा ये इससे जो है एएमआर और बढ़ता जाता है। ये कह रहे इरेशनल ड्रग यूज, आपको भी लगता है कि ये बीमारी ये ड्रग ले लीजिए, डॉक्टर के पास नहीं जाते, बहुत दिन बुखार हो जाता है तब जाके डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये कह रहे हैं इसके कारण जो है इरेशनल जो तरीके से हम जो मेडिसिन लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर का भी फॉल्ट होता है, कहते हैं समटाइम इवन डॉक्टर फेल्स टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, काफी बार डॉक्टर भी प्रॉब्लम को जो है भाप नहीं पाता और जो है गलत प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। एक्सेसिव मेडिकेशन, ये कह रहे बहुत बार, देखिए आपको थोड़ा सरदर्द हुआ आपने दवाई ले ली, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है सरदर्द किस कारण से हुआ है, उस कारण को जो है छोड़ना है। मान लो ठंडा पीने से आपको सरदर्द हो गया, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये चीजें आपको याद आ जाएंगी पेपर के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि एक्सेसिव जो मेडिकेशन वगैरह ये भी छोड़नी पड़ेगी, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे जो है इम्यून सिस्टम जो है कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। देखिए ये बोल रहे हैं मेडिकेशन फॉर लाइट कफ एंड कोल्ड, आपको थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ आपने दवाई ले ली 2-3 दिन, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लेना, पॉवर्टी इलिटरेसी लैक ऑफ अवेयरनेस, तो ये भी एक कारण है। उसके बाद पुअर सैनिटेशन, पुअर सैनिटेशन भी एक कारण है कि जो एंटी जो ये एएमआर है एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस जो है इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सजेशन क्या देते हैं, देखिए इन्होंने सजेशन दे दिए कितने अच्छे तरीके से, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएम JAY इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट। तो ये आपको अगर नहीं भी पता है तो सपोज कीजिए, तो ये ब्रैकेट में आप डालिए इसको कि ये क्या है, ठीक है, कौन सी जो है ये जन आरोग्य योजना के बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन ये आपको डालनी चाहिए ब्रैकेट के अंदर। एलिमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वुड बी मेक डॉक्टर एक्सेसिबल टू एवरीवन। उसके बाद बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये डायग्नोसिस जो है मशीन्स वगैरह ज्यादा होनी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए, लेजिस्लेशन अगेंस्ट द मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, इसका कोई या स्ट्रिंजेंट जो है नॉर्म्स होने चाहिए। बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर ऐप एज पर द WHO स्टैंडर्ड्स, ठीक है, फोकस ऑन मल्टीनेशनल जो है सॉरी ये कह रहे न्यूट्रिशनल इंटेक और मोर फोकस ऑन सैनिटेशन। तो जो प्रॉब्लम वही तो सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम उनको खत्म कर दो तो सॉल्यूशन आ जाएंगे। वे फॉरवर्ड क्या कहते हैं, इंडिया हैज द स्ट्रेटेजी टू एलिमिनेट द AMR इन्फेक्शन कंप्लीटली, वट इज वी नीडेड इज कैलोबरेटिव एफर्ट। यानी कि कह रहे कि इंडिया के अंदर स्ट्रेटेजी तो बनाई गई है, लेकिन हमें कैलोबरेटिव एफर्ट लेने पड़ेंगे, इफेक्टिव गवर्नेंस जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन पार्ट इज क्रूशियल, दिस एरिया वेयर वी आर लैकिंग मेकिंग। ये फिर स्कीम के बाद कह दी सक्सेस एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, लेकिन अब तो ये थोड़ा सा आपके डायमेंशन कम है इसके अंदर। आपने कोजेज लिख दिए, सजेशंस लिख दिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है वो आपको और लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता है। गवर्नमेंट इसमें क्या काम कर रही है, ठीक है,
या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई यानी कि जजमेंट बता सकते हैं, जो एंटीबायोटिक्स ज़्यादा यूज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे जो है कौन कौन सी बॉडी इसको कंट्रोल करती है, एक्सेसिव जो एंटीबायोटिक या फिर जो भी मेडिसिन हम लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी अगर बता देते 3-4 पॉइंट में तो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन की फीचर ऑफ स्क्रैपिंग पॉलिसी विद रेस्पेक्ट टू नेशनल स्टेट स्टील पॉलिसी, ठीक है। ये कह रहे हैं क्या फीचर्स है, ठीक है, इस पॉलिसी के जो नेशनल स्टील पॉलिसी उसका। ये देखिए कितना बहुत ही क्लीन तरीके से आंसर है इनका। स्टील इज ए मटेरियल मोस्ट कंड्यूसिव फॉर सर्कुलर इकोनॉमी एज इट कैन बी यूज रीयूज एंड रिसाइकल्ड इन फाइनाइटली, ठीक है। वाइल आयरन ओर रिमेन्स द प्राइमरी सोर्स, ठीक है, ऑफ स्टील मेकिंग, यूज और री यूज स्टील इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप इज द सेकेंडरी रॉ मटेरियल, ये बता दिया इन्होंने। अभी कहते हैं नेशनल स्टील पॉलिसी क्या है 2017 की। देखिए हो सकता है ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं प्रीलिम के अंदर भी, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, तो ऐसा मत मान के चलिए कि 2020 में आप 2019 और 20 के ही करंट अफेयर मिलेगा आपको, ठीक है, थोड़ा पुराना भी पूछा जा सकता है। ये कहते हैं एम्स टू डेवलप ए ग्लोबल कंपिटेटिव स्टील इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग 300 मिलियन, ठीक है, ये प्लांट स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, इतना मिलियन जो है टीपीए। अब ये टीपीए आप सपोज कीजिए एग्जामिनर को नहीं पता है तो आपको ये बता दीजिए क्या है, ठीक है, टन वगैरह यानी कि कितनी कैपेसिटी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 2030। फीचर्स क्या है, टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, टू प्रमोट फॉर्मल एंड साइंटिफिक कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेफ और एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर से, डीकंजेशन करना इंडियन सिटीज को, इसके बाद क्या है 6 R's को यूज करना। देखिए 3 R तो हम करते ही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वगैरह का रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, और इन्होंने क्या कहा रिकवर करना है, ठीक है, रीडिजाइन और रीमैन्युफैक्चर, तो ये 6 R को प्रमोट करने की बात कही गई है। तो यहीं पे आंसर इन्होंने खत्म कर दिया, थोड़ा यानी कि एब्सर्ड एंडिंग बोल सकते हैं इसको, थोड़ा सा कंक्लूजन और दीजिए, कोशिश कीजिए हमेशा कंक्लूजन देने की। चलिए व्हाट इज क्वाड ग्रुप, ठीक है, एक्सप्लेन द फीचर एंड सिग्निफिकेंस। तो ये कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड जिसको बोलते हैं, इज एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो 4 कंट्रीज इसके अंदर आती है, यूएसए, जापान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, दैट इज मेंटेन्ड बाय टॉक्स बिटवीन द मेंबर कंट्री। द डायलॉग वॉज इनिशिएटेड इन 2007 बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ठीक है, सिंजो एबे ने स्टार्ट किया था। फीचर्स क्या, इट एम्स एट काउंटरिंग चाइनाज एग्रेसिव बिहेवियर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सिग्निफिकेंस क्या है, इट अंडरलाइंस द राइजिंग सिग्निफिकेंस इन ऑफ मैरिटाइम जियोपॉलिटिक्स इन द इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड, ठीक है, पुश फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस, रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड फोस्टर रूल बेस्ड ऑर्डर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको रूल बेस्ड ऑर्डर, हाँ ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर या फिर रूल बेस्ड ऑर्डर ही आएगा, वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक लिखा आपने। इंप्रूव कलेक्टिव मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड एंटी सबमरीन कॉग्निजेंसीज, ठीक है, कंटीजेंसीज, वाइल एडिंग एलिमेंट ऑफ इंटर इंटर इंटेरोपेराबिलिटी, ठीक है। चलिए ये भी आपने एब्सर्ड ही खत्म कर दिया, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे और फिर आपने कंक्लूजन नहीं लिखा, कोशिश कीजिए हैबिट रखिए कंक्लूजन जो है लिखने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोन वोल्फ अटैक, ठीक है, डिस्कस इंडियाज प्रिपेयरनेस अगेंस्ट द लोन वोल्फ अटैक। ये कहते हैं लोन वोल्फ अटैक इज समवन हु इज प्रिपेयर टू कमिट वायलेंट एक्ट अलोन आउटसाइड एनी कमांड स्ट्रक्चर एंड विदाउट मटेरियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी ग्रुप, यानी कि किसी ग्रुप से अगर उसको असिस्टेंट ना मिले, खुद से ही अटैक करता है अपना, यानी कि सिंगल जो एक या दो लोग हो जाते हैं या सिंगल अटैक करता है, तो उसको बोलते हैं लोन वोल्फ अटैक। दे आर इन्फ्लुएंस्ड एंड मोटिवेटेड बाय आइडियोलॉजी एंड बिलीफ ऑफ एक्सट्रीम एक्सटर्नल ग्रुप्स एंड मे एक्ट इन सपोर्ट ऑफ सच ग्रुप। दीज एक्ट आर डेंजरस बिकॉज दे आर थ्रेटन द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए नेशन। इंडिया हाउएवर हैज इट्स कैपेबिलिटी टू प्रिवेंट सच अटैक। इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड डिफेंस टू प्रिवेंट सच अटैक, ठीक है। सोल्यूशंस क्या है, देर इज नीड टू फोकस ऑन पोटेंशियल टारगेट्स, ये हमें समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, सोशल मीडिया साइट्स पे भी हमें कौन सा सोशल या रेडिकल प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसी नीड्स टू कीप चेंजिंग एंड अपडेटिंग टैक्टिक्स, ठीक है, नीड रेगुलर रिविजन एंड स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ टू एड्रेस द लूप होल्स, नीड टू क्रिएट हेल्पलीनेस एंड मैनर मैंड बाय प्रोफेशनल काउंसिलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट, हाँ ये भी होना चाहिए, ठीक है,
या आपने शायद नोट्स ही बनाए हैं, ये वाला आंसर फिर भी लग रहा है, छोटे आंसर हैं थोड़े से। और भी चीज़ें गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे ठीक है आज जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसके अंदर भी ये लोन वुल्फ अटैक वगैरह को डील करने के लिए जो है किया गया, क्या क्या चेंजेस किया गया है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा आपको मेंशन करनी है। इंडिया में क्या क्या हो रहा है वो भी बताना, ठीक है। आईएसआईएस को कुछ लोगों ने देखते हुए जो है यहाँ पे लोन वुल्फ अटैक की जो है कोशिश की जा सकती है। यूरोप में कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है, यूरोप में एक दो जगह पेरिस वगैरह में हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो आप डालेंगे तो आप थोड़ा लगेगा कि अवेयरनेस आपकी थोड़ी, यानी कि न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ई सिगरेट, हाउ दे आर इफेक्ट योर हेल्थ, ठीक है। ई सिगरेट के बारे में, कैसे ट्रेडिशनल सिगरेट से डिफरेंट है। ये कहते हैं ई सिगरेट्स आर बैटरी पावर्ड डिवाइसेज दैट हीट ए सोल्यूशन ऑफ निकोटीन एंड डिफरेंट फ्लेवर टू क्रिएट एरोसोल विच इज देन इनहेल्ड। तो ये क्या होता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है एक तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, निकोटीन जो है वो जलता है और उसके बाद एरोसोल निकलता है, तो उसको जो है इनहेल किया जाता है। तो इसमें जो है टोबैको वगैरह वो सब यूज नहीं होता। इसके बाद कहते हैं ई सिगरेट कंटेन हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, लाइक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इसके अंदर होते हैं, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल दैट कैन इनहेल्ड इन टू लंग्स लीडिंग टू लंग डिजीज, इट कैन ऑल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन माउथ एंड ब्रेन, निकोटीन कैन हैव एडिक्टिव भी हो सकता है, इट वुड इवन अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ फिटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड मे कॉन्ट्रीब्यूट टू अ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। WHO ने बोला कि दैट निकोटीन इज नॉट कार्सिनोजन, यानी कि इसका मतलब ये कुछ लोगों ने देखिए ये भी बोलते हैं कि इससे जो है कैंसर नहीं होता है, लेकिन अब ये जो है काफ़ी डिबेटफुल, जो काफ़ी डिबेट है इसके ऊपर चल रहा है कि क्या इस ई सिगरेट को यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इंडिया के अंदर बैन कर दी गई है वो बात जरूर है, लेकिन कुछ कंट्री के अभी चलती है, ठीक है। और कुछ जैसे WHO की रिपोर्ट ने बोला है कि इससे कैंसर वगैरह नहीं होता, तो ये भी जो है थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। ये कहते हैं कि इससे क्या होता है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सिगरेट से कैसे, ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल एज प्रैक्टिस ई सिगरेट आर हेल्दियर देन ट्रेड। ये देखिए ये हेल्दियर तो लिखना ही नहीं आपको, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, हेल्दियर नहीं लिख सकते, ये लिख सकते लेस हार्मफुल, यानी कि अभी तक ऐसा माना गया कि लेस हार्मफुल है, ठीक है, अभी तक इसके पूरे इफेक्ट पाए नहीं गए हैं, बिकॉज यूजर आर ओनली इनहेलिंग द वाटर वेपर्स एंड निकोटीन। कंक्लूजन आपने लिखा, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड बैन ऑन ई सिगरेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। तो वो शॉर्ट में लिख रहे हैं आंसर, अगर आपके नोट्स हैं तो ठीक है, बट और थोड़ा सा इसको एनहेंस करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा ही छोटे लिखे आपने। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वैक्सीन हेजिटेंसी, ठीक है, हेजिटेसी हेजिटेंसी, सजेस्ट वेज टू ओवरकम द चैलेंज। अब मुझे नहीं पता है, ये मैंने नहीं पढ़ा, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, अभी मैं देखूंगा इन्होंने कैसे लिखा है तो मुझे उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। वैक्सीन हेजिटेंसी इज नॉट टेकिंग वैक्सीन इवन इफ इट इज एडिक्वेटली अवेलेबल, यानी कि नाम से अब देखिए समझ आ गया, पहली लाइन में ही इन्होंने समझा दिया कि है क्या वैक्सीन हेजिटेंसी, यानी कि आपको वैक्सीन लेनी चाहिए, अवेलेबल भी है लेकिन आप नहीं लेते, तो उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीन हेजिटेशन का मतलब है जैसे बच्चों को जो है टीकाकरण वगैरह होता है, तो लेकिन लोग उस टीकाकरण में नहीं ले जाते, तो मुझे लग रहा है उसी के बारे में यह है। मेन रीजन क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडेड थ्रू द सोशल मीडिया, ए 1998 स्टडी विच रॉन्ग इज रोंग फैक्चुअल द स्प्रेड ऑफ अगेंस्ट द वैक्सीन एज MMR वैक्सीन कैन लीड टू ऑटिज्म। तो ये कि पहले ऐसी जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी कि जो MMR वैक्सीन्स वगैरह हैं, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को जो कम करती है तो उससे जो है ऑटिज्म हो सकता है। सेकंड कहते हैं सुपरस्टिशंस भी है कि जो है वैक्सीन जो है प्रोहिबिटेड है, कुछ रिलीजन्स में ये माना जाता है कि प्रोहिबिटेड है, ठीक है, इनको यूज नहीं करना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडेड बाय धर्म गुरुज वगैरह जो है, ठीक है, रिसेंटली सदगुरु क्वेश्चन वैक्सीन, आप नाम मत लिखिए ऐसे, ठीक है, तो आप लिखिए कुछ धर्म गुरु, यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, तो ये भी चल जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जो जो रिलीजन रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, जो हमें टीच करते हैं, इस तरह के लोगों को टीच करते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में, तो ऐसे या धर्म गुरु भी चल जाएगा, बट नाम मत लिखिए, वो थोड़ा बेटर रहेगा। अलोंग विद दिस WHO कंसिडर इट एज वन ऑफ द टॉप 10 हर्डल्स इन द हेल्थ एंड, यानी कि ये WHO ने बोला कि ये एक बहुत बड़े हर्डल्स हैं कि इस वजह से जो है वैक्सीन हेजिटेशन देखने को मिलता है। अभी कहते हैं 3 C's के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या है, कॉन्फिडेंस, कॉम्प्लेसमेंट और कन्वीनियंट। यानी कि देखिए इसके फायदे क्या होते हैं, वे लिख रहे हैं कि लेस अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इन पीपल, कॉम्प्लेसेंट टुवार्ड वैक्सीन बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरर्स,
ट्रस्ट इन द वैक्सीन टू ओवरकम द सच प्रॉब्लम। क्या कैसे करें इसको, नीड टू फोकस ऑन बिहेवियरल एस्पेक्ट पे जो है ध्यान देना पड़ेगा, नज इकोनॉमी बाय पुटिंग एंड पब्लिशिंग राइट डेटा, ठीक है, ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद नीड टू फोकस ऑन नोबल जो लॉरिएट है अभिजीत बनर्जी, उन्होंने क्या बोला, उनके मेथड से विच प्रोवाइड इंसेंटिव्स, मॉनेटरी बेनिफिट वगैरह भी देना पड़ेगा। देखिए आपको वैक्सीन जो लगवाने आता है, अगर उनको बेनिफिट मॉनेटरी बेनिफिट देना लगेंगे थोड़े, स्प्रेड न्यूज़ जो है प्रॉपर स्प्रेड होगी, अवेयरनेस प्रॉपर होगी, तो इससे भी लोगों को जो है वैक्सीन्स की तरफ लोग बच्चों को लेके आएंगे। ट्रेनिंग, आशा की ट्रेनिंग और अच्छे से कराई जा सकती है ताकि वो सेंसिटाइज कर सके, वो भी हो जाए और लोगों को भी करें। अवेयरनेस तो क्रिएट करनी ही करनी है टीवी रेडियो वगैरह पे। वैक्सीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हेल्थ एंड मिसकंसेप्शन अबाउट, ये कहते हैं, एंड मिसकंसेप्शन अबाउट द हिंड्रेंस हिंडर्ड गवर्नमेंट एम, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन है, ये जो है गवर्नमेंट का एम है जो 100% इम्यूनाइजेशन होना चाहिए मिशन अंदर, जो मिशन इंद्रधनुष है उसके अंडर, लेकिन ये जो हिंड्रेंसीज हैं इनको हमें कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज जो मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे कोड ऑन वेज बिल। देखिए वैसे तो कल किसी ने आंसर लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, तो उसमें कुछ कमी नहीं थी, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कोड ऑन वेज बिल क्या है। देखिए ये कहते हैं कि न्यू पार्लियामेंट पास्ट कोड ऑन वेज बिल 2019 मैंडेटिंग ए मिनिमम वेज अक्रॉस द कंट्री। अब देखिए पूरी कंट्री में एक वेज सिस्टम लागू करने की बात हो रही है कि पूरे कंट्री में, यानी कि अलग अलग हिसाब से, यानी कि कोई इतना पढ़ा हुआ है ये काम कर रहा है तो उसका कितना वेज होना चाहिए मिनिमम, कम से कम, या लेबर में लगा हुआ है तो उसका क्या काम होना चाहिए, यानी कि इसमें दोनों सेक्टर को फोकस किया, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, पहली बात। इसके अलावा देखिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और इसमें देखिए दो चीजें, ज्योग्राफिकल बेसिस पे भी अलग अलग आप वेजेस निकाले जाएंगे और कंट्री वाइज भी अलग अलग, या फिर वर्क वाइज भी अलग अलग निकाले जाएंगे। ये कहते हैं यूनिवर्सल मिनिमम पेमेंट ऐसे हुआ है कि 178 एक दिन में मिलना ही चाहिए, चाहे कोई लेबर वगैरह में भी काम करता है। ये कहते हैं इसमें क्या हुआ है, देखिए चार कोड आए हैं, ठीक है, उसमें जो 32, हमारे इंडिया में माना जाता है कि लेबर लॉज काफी कॉम्प्लेक्स है, तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने किया कि जो 32 सेंट्रल लॉज थे उनको खत्म करके चार कोड के अंदर लेके आ गए हैं, जिसमें से एक है कोड ऑन वेज बिल। ये कहते हैं कि देखिए इससे क्या होगा, कंप्लायंसिस बढ़ेंगी, इससे ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एंश्योर द लेबर वेलफेयर होगा, वेजेस सोशल। अब देखिए कोई भी कंपनी जब इंडिया में आती है तो देखती है कि कहाँ पे कितने वेजेस जो है ज्यादा देने पड़ेंगे, उस हिसाब से भी सेटअप करती है, बहुत से रीजन होते हैं। अगर उसको लगेगा पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म है तो वो अब उस हिसाब से जो है यूनिफॉर्म वेजेस है तो उस हिसाब से सेटअप करेगा। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से जो है बिल जो है उसको मर्ज कर दिया गया है, कौन कौन से ऑलरेडी बिल नहीं, एक्ट जो पहले थे, मिनिमम वेज एक्ट था 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो याद रखिए हो सकता है ये चारों के नाम दिए जाएं आपको प्रीलिम के अंदर भी कि कोड ऑन वेज बिल जो है इसके अंदर कौन कौन से चार जो है बिल जो है एमलगेमेट हो गए हैं या मर्ज हो गए हैं, तो ये होना चाहिए। एक तो मिनिमम वेज हो गया, पेमेंट ऑन वेजेज एक्ट, नेक्स्ट है बोनस भी इसमें आ गया और इक्वल रिमुनरेशन, तो चार को मर्ज करके ये बनाया गया। इसका रेगुलेट द वेजेस एंड बोनस पेमेंट, अब इसमें वेजेस के साथ बोनस वगैरह भी दिया जाएगा, उसको भी रेगुलेट किया जाएगा, सभी एम्प्लॉय पे अप्लाई होगा, चाहे ऊपर नीचे जो भी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इससे जो अर्बन और रूरल जो एरिया है उसमें डिवाइड जो है वो कहीं ना कहीं कम होगा, ठीक है। शॉर्टकमिंग क्या, बिल के अंदर शॉर्टकमिंग क्या है, देखिए कुछ लोगों ने या फिर जो हाई पावर्ड लेबर मिनिस्ट्री का पैनल बना था उन्होंने रिकमेंड किया था कम से कम 375 जो है एक दिन का जो है वेतन होना चाहिए मिनिमम, तो उसमें जो है यहाँ पे निर्धारित किया है 178। मिनिमम वेजेस लो रेज बिजनेस बिजनेस लेबर कॉस्ट, देखिए इससे क्या होगा, बिजनेस मैन को काफी असर पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए वो कम भी देता था, अब उसको फिक्स कर दिया गया मिनिमम तो देना ही, तो उससे जो है बिजनेस जो लेबर कॉस्ट है उस पर फर्क पड़ेगा। अब इसमें देखिए स्टेट शुड हैव द पावर टू डिटरमाइन, तो स्टेट्स को भी जो है पावर दे देगी, तो आप जब नेशनल लॉ बना रहे हैं तो स्टेट्स को कैसे पावर दे सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग्स है। रेजिज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सम एरिया एरिया, अब इससे क्या होगा, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, तो हो सकता है कुछ एरिया में रेंट वगैरह बढ़ जाए, रेंट बढ़ेगा इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इकोनॉमी के इस पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो मेजर आपको इतना ही पता है ना तो आप आंसर लिख सकते हैं, किसी भी तरह का आंसर घुमा फिरा के आता है तो, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।